खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले ही राम राम। मैम मैं फिलहाल मौजूद हाँ और रक्षक सम्मान समारोह बलराज कुंडू के द्वारा आज आयोजित कराया गया था और बहुत सारी भावुक करने वाली तस्वीरें भी देखी हैं। और थोड़ा सा जे अगर चिंतन करा तो आप उस देश में सर्वाइव करने लग रहे हैं जहाँ पर विधायकों के माइक बंद कर दिए जावे हैं और जेल में बैठ कर न जो गैंगस्टर हैं वो इंटरव्यू दे हैं। तो बातचीत करांगे। राम राम जी। पहले राम राम सोनू भाई। तो आज आपका यो तीसरा प्रोग्राम था, उससे पहला रैली, तो इस तरह तो यो चलता चलता लोगों के दिमाग में यह चीज़ आवे कि जल्द ही अगला प्रोग्राम पार्टी अनाउंसमेंट का होने वाला है। ये तो जो ना इस प्रदेश के लोग उस बात के लिए फैसला करेंगे। मेरा अब कार्यक्रम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विधानसभा लेवल पर लोगों के बीच में जाके चर्चा करना आगे के लिए क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार का साथ सहयोग और आशीर्वाद उनका मिलता है, उसी के अनुरूप आगे की रूपरेखा जल्दी ही आप लोगों के साथ बैठ के मीडिया के साथियों के साथ उसको साझा करने का काम करूँगा। इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह का जो सम्मान, क्योंकि ताऊ उम्र एक फौजी सेवा में लगे रहा है, फिर वो शहीद भी हो जाए हैं और उसके बाद में उसके परिवार को वो सम्मान नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। सिर्फ एक टाइटल मिला है, उसके बाद में किस हालात में वो जी रहे हैं उनकी कोई सूद लेनिया नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब वो आते हैं वो फौजी, कोई भगवान के ऐसी करनी से एक शहीद होता है, तो उन शहीदी के टाइम पर सरकारें जो है ना फोटो भी खिंचवाती हैं, तरह तरह की घोषणाएं और बातें भी करती हैं। चंद दिनों के बाद उस फौजी परिवार की सुध बुध लेने वाले ना सरकारें आती ना कोई और कोई नेता आते, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने देखा होगा आज भी कई जैसे उन शहीदों के परिवार किस दयनीय स्थिति में है, उनकी आव भाव वेशभूषा से उस बात का एहसास भी हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकारों को, उस प्रत्येक फौजी शहीद के परिवार का हर वर्ष जो है ना उसका वो करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, उसकी वो जांच करानी चाहिए, वो किस दौर में है, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ और वो तो नहीं। जिस शहीद ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के लिए रक्षा कर दिया है, उसके परिवार को भविष्य, उस परिवार के उन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेवारी सरकारों की होनी चाहिए। तो आज शहीदी दिवस आपने मनाया है, काफ़ी गैदरिंग भी थी और पीछे जो यात्रा थी उसमें भी काफ़ी गैदरिंग थी, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ भी लगे जावा है कि बार बार सरकार को ये दिखाया जावा है कि ये ना सोचियो कि भाई थोड़ा सा अड़का में है तो हम किसी टाइम भी कुछ भी कर सका। देखो ये तो लोगों का प्यार है, मैं तो रात को आया हूँ, मैं तो यहाँ था ही नहीं, एक हफ्ते से चंडीगढ़ था। तो ये देख लो एक बुलावे पर, एक मैसेज पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जो ये सैनिक परिवार वो सब आशीर्वाद देने और इस कार्यक्रम में पहुँचे, ये उनका प्यार है। एक लेटर सर्व कर रहा है जो मीडिया के ऊपर है, तो उसमें ब्लैकमेलिंग का आपके साथ में भी और जो फ़ोन कॉल है आपके जो पीए के पास में है वो भी आने की बात है। देखिए वो एक ऐसा गिरोह है जिसकी चर्चाएं सुनी थी और उसका एक प्रयास, उन्होंने मेरे पास भी कॉल आई, लेकिन मेरे को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ब्लैकमेल उसी को किया जा सकता जिसमें कोई कमी या जिसका कोई ऐसा वीक पॉइंट किसी के पास हो। बलराज कुंडू के अंदर आज तक तो अभी तक तो कोई वीक पॉइंट है नहीं, कल को कोई हो जाए तो मुझे पता नहीं, परमात्मा कोई कर दे। तो आज की डेट में बलराज कुंडू को ब्लैकमेल करने की अगर कोई सोचता है तो वो उसका मूर्खतापूर्ण कदम है। मैंने तो वो चिट्ठी सिर्फ प्रदेश के लोगों की चिंता करने करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा को लिखी थी कि इस प्रकार के माहौल बना हुआ है,
मेरे प्रदेश के किसी कॉमन मैन किसी और परिवार को ये ब्लैकमेलर जो है ना ब्लैकमेल ना करें, उनसे बचाने के लिए ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करें, उन पर कार्रवाई करने के लिए मैंने वो चिट्ठी डीजीपी को लिखी थी। तो जो कॉल करने वाली थी वो महिला थी या पुरुष था? नहीं, वो महिला ही थी, लेकिन उस महिला से मेरे को कोई परेशानी नहीं, मेरे को कोई ब्लैकमेलिंग की डर नहीं है। मैंने तो उसको देखकर, उस कार्रवाई को देखकर प्रदेश के लोगों की चिंता करने के लिए डीजीपी को लेटर लिखा था। तो एक ही नंबर था आपके पीए को फ़ोन आना, आपको फ़ोन आना, क्या प्लांटेड हो उसके? हाँ, ये कोई राजनीतिक खेल भी हो सकता है मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन इस प्रकार की सोच रखने वालों को मैं इतना ही सलाह देना चाहूँगा कि बलराज कुंडू को ब्लैकमेल करना या बदनाम करना इस प्रकार की ओछी हरकतों से, ये उनका सपना हो सकता है, ये संभव नहीं हो पाएगा उस पर, क्योंकि बलराज कुंडू के ऊपर कोई लांछन या उंगली उठाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। बलराज कुंडू पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और पूरे स्वच्छता और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहा है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठ सकती। क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी हैं कि जो आजकल लाइन पर नहीं आता तो ईडी वगैरह का भी सहारा लिया जावे है, तो देखिए वो उसके लिए तो मैं किसी को रोक नहीं सकता, वो कुछ जो भी करेंगे ऐसा कुछ होता तो उसके लिए भी देखा जाएगा। क्योंकि ये चीज़ देखने को मिली है कि पहले ईडी का दबाव बनता है, उसके बाद में वो ज्वाइनिंग कर लेता है और वो बिल्कुल फिर पाक पवित्र बन जाता है। ये तो समय बताएगा, आने वाले आपके सामने ही होगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो जनता को कोई मैसेज? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज शहीदी दिवस पे हमें सभी हिंदुस्तानी भारतीयों का ये फर्ज और नैतिक धर्म बनता है कि हम अपने उन सुरवीर भारत माता के वीरों को नमन और श्रद्धांजलि दें, और उन्होंने जिस भारतवर्ष के सपने को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में हम अपना क्या योगदान ईमानदारी से दें, ताकि मेरा भारतवर्ष और मेरा प्रदेश आगे बढ़े और इसका भविष्य उज्जवल हो। यही मैं सभी प्रदेशवासियों से प्रार्थना भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि हमें हर एक फौजी का और फौजी के परिवार का और उन शहीदों के परिवारों का सम्मान हर वक्त करना चाहिए, और उनको उस परिवार को अगर कभी भगवान ना करे कोई तकलीफ़ और दिक्कत होती है तो उसके साथ खड़ा होकर उसका सहयोग भी करना। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा। तो विधानसभा में माइक बंद कर दिए जावे हैं और जेड में बैठ कर इंटरव्यू दिए जावे हैं, तो इसका ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, विधानसभा में इंटरव्यू बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बोलने वाले की आवाज़ को वो उस माइक से नहीं रोक सकते। ये मेरे साथ तो अनेकों बार होता है जब माइक बंद होता है, लेकिन बलराज कुंडू की आवाज़ भगवान की उससे इतनी बुलंद है कि उसको माइक की ज़रूरत नहीं है। रही बात जेलों से इंटरव्यू की, जो आपने बात की, ये दुर्भाग्य है इस देश का, लॉ एंड ऑर्डर का, इस प्रदेश के, देश की सरकारों का, जो इस प्रकार का खेल सरेआम जो हो रहा है वो इस प्रदेश और देश के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक और घातक है। धन्यवाद जी। तो आप जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।